विधानसभा भितरवार के चिनोर से महाजनसंपर्क अभियान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जनहितेशी नीतियों की जानकारी जन जन तक पहुँचाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9 वर्ष में कई ऐसी योजना शुरू की हैं, जिनसे देशवासियों को सुख सुविधाएं मिल सके, जिनमें लाडली बहना योजना, किसान कर्ज माफी योजना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं, जो सुचारू रूप से कार्य भी कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्गदर्शन में लगातार समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। इस महाजनसंपर्क अभियान यात्रा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही, जिन्होंने आगे आकर इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास किया। इस दौरान समाज सेवी और जनसेवक साथी भी सम्मिलित रहे। समस्या आपकी, संघर्ष हमारा। निवेदन पर हमारे सांसद जी ने, सिंधिया जी ने, तोमर जी ने, मोदी जी ने, शिवराज सिंह जी ने सबने मिलके तुम्हें 300 करोड़ की रोड दे दी। अरे भैया, कबू बहु पे थे तो हिसाब लियो कि ताने 15 साल तुम कैसे वोट ले, और 15 साल के वोट लेने के बाद तुम्हारे यहाँ क्या किया, इसका भी तो कभी हिसाब लो। हिसाब तो लेना पड़ेगा। हमने दिया ना हिसाब, 3 साल तुम्हारे बीच में काम किया। हम भी अगर गोरी बातें करते तो शायद इतने लोग इकट्ठे नहीं होते। आज पूरा चिनोर करैया पाठे से लेके और बस स्टैंड तक पैक था। क्यों? इसलिए था कि उम्मीद बनी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, प्रेस वालों ने मुझे पूछा कि भैया तुम विधानसभा से दावेदार हो क्या? मैंने कहा भैया मैं दावेदार नहीं हूं, दावा तो होता है दिल्ली और भोपाल में। मैं तो 3 साल से कोशिश कर रहा हूं कि भितरवार विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं उम्मीदवार बन जाऊं। उम्मीदवार का अर्थ है कि जनता को जिससे उम्मीदें हो जाएं कि अगर ये कुछ बनेंगे तो काम करेंगे, मैं उस उम्मीद में लगा हूं। और अब मुझे प्रसन्नता है कि हम 3 साल में कम से कम जनता में ये उम्मीदें जगा चुके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर भितरवार विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहुंचेगा तो निश्चित ही क्षेत्र का विकास होगा। मुझे मिले सोनू सरदार, उनने मुझसे कहा कि भैया मैं जब 8वीं में पढ़ता था तब जो रोड बनी थी और अब मेरा बेटा नबी में पढ़ रहा है, 20 साल हो गए जो रोड दोबारा नहीं बनी। 15 साल से हमने 100 बार विधायक से कहा, वो हर बार आश्वासन देके चला गया। मैंने कहा आप मुझे 4 महीने दे दो, चाहे मुझे किसी के पैर पकड़ने पड़े, आपकी रोड बने। आप कभी जोरा जाके देखना, रोड बन के तैयार हो रही। मैं अभी भूमेश्वर धाम दर्शन करने गया कई बार, उस रोड की हालत ऐसी थी जर्जर के वहां से आदमी निकल नहीं सकता। उस रोड की स्वीकृति के लिए चूंकि मैं सबसे मांग चुका, माननीय सिंधिया जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की आपकी चिनोर से करैया वाली रोड, तो फिर मैंने देखा कि 4 करोड़ रुपए कहां से मिलेंगे। तब मैंने पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री हैं, हमारे पुराने मित्र रहे हैं, वर्तमान में पंचायत मंत्री हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया, उनसे निवेदन किया। उन्होंने 3,75,00,000 रुपए स्वीकृत किए, जिसका मैंने फौज तैयार नहीं।
हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब समय है, जनसेवक भी काम कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। ये आज मेरी बहनें बैठी हैं, गांव गांव से आई है, विदर्भ विधानसभा क्षेत्र के पूरे गांव से, सभी जातियों, सभी धर्मों, संप्रदायों, हर व्यक्ति यहां आज मौजूद है जिसने संबल बढ़ाने का हमारा काम किया है, हमको ताकत देने की काम किया है, वो सब यहां मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि अब हमारा तो काम था, हमने किया, आपके विचार का भी समय है। आपको भी सोचना पड़ेगा कि इन 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन से उसका जो आखिरी यात्रा होती है, उसकी शादी से लेकर पढ़ाई तक, पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, उद्योग तक, व्यापार तक, हर जगह कहीं ना कहीं उसको लाभ कैसे मिले। आप लोग जरा गाड़ियों को यही रोको। सर कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपकी मेहनत बहुत जोरों शोरों से चल रही है, हम देख रहे हैं कि आप बिल्कुल अपना खून पसीना एक करके लोगों के बीच में उतर रहे हैं, सरकार की योजनाओं से उनको रूबरू करा रहे हैं। जो आपने महाजनसंपर्क अभियान छेड़ा है, ये जो आपने एक लोगों के बीच में मिलने की जो बात कही है, रूबरू कराने की बात कही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी तमाम सारी जनहित ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि अगर उनका लाभ जनता को सबसे पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचा पाएंगे तो आप मानिए कि बहुत बड़ा ईश्वर की निगाह में भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा, और उस गरीब के साथ, जो शोषित पीड़ित के साथ हम लोग जो खड़े हैं, उसका एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। आज उसका एक उदाहरण आपने देखा होगा कि जो हमने गांव-गांव जाके लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष किया है, लोगों के जो काम किए हैं, लोगों के बीच में जो हमने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पहुंचा लाया है, उनको लाभ दिलाया है, उसकी वजह से हमारे जो सरकार के मुखिया हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनके नेतृत्व में लाडली बहना योजना है, उसको किस प्रकार से लोगों के बीच में जाना है, जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से झूठ का एक नया परोसना शुरू किया है, उसकी काट कैसे होगी, इस सब को लेके हम उसके बीच में जा रहे हैं। श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी ने जिस प्रकार से बितरवार विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए के रोड स्वीकृत कराए हैं, केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, तो इस ग्वालियर अंचल में विकास केवल 500 करोड़ का हवाई अड्डा या 500 करोड़ का रेलवे स्टेशन या 2500 करोड़ का एलिवेटेड रोड ही नहीं है, भीतरवार विधानसभा में भी विकास का अब एक नई गंगा बहना शुरू हुई है, उसका समर्थन है लोगों का, जिस समर्थन की वजह से आप जो आज तारीफ कर रहे हैं उसी के कारण से। श्री मोहन सिंह राठौर जी से अभी हमने मुलाकात की, उनके महाजनसंपर्क अभियान को हमने जाना, किस तरीके से वो लोगों के बीच में उतर कर सरकारी योजनाओं को किस तरीके से लोग उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं ये हमने जाना। गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, भितरवार विधानसभा के हर एक क्षेत्र में जाकर कि वो महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों को इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का किस तरीके से लाभ उठाया जा सकता है और आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार को चुने, क्योंकि वो सरकार जो है लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है, नई नई नीतियां और योजनाएं लेकर के आ रही हैं, किस तरीके से लोगों का भला किया जा सके, लोगों का, क्षेत्र का विकास किया जा सके और अपने देश को उन्नत बनाया जा सके। नमस्कार।